अभी हम लोग पंचवटी सर्कल जा रहे हैं फूड टूर के लिए। अभी जस्ट बस से उतरा हूँ, बस ने 200 रुपए लिया फ्रॉम फतेहपुर। हाँ लेना ये कोरोना वायरस से। अभी जयपुर स्टेशन के लिए निकले, वही रस्ते से जाओगे ना? मेरे को आपका यहीं है अभी जस्ट यहाँ से खाना खा के निकला हूँ। सोचा था कि लोकल थाली अच्छा मिलेगा, उसी से आया था, बट भाजी में काफ़ी पानी, दाल काफ़ी पतला, रोटी मतलब एकदम होल वीट, 100% होल वीट होता है ना ऐसा, उसको साफ करते हैं, वो करते हैं हम जो उसका वो मोटा मोटा पार्ट निकालते हैं, वो तक नहीं निकाला था, रोटी टूट नहीं रही थी उससे, इसलिए मैंने आधा ही छोड़ दिया, बट टेस्ट अच्छा था, पेट भर गया। अब यहाँ से मैं जाने वाला हूँ सिंधी कैंप। बेसिकली प्लान ये है कि मेट्रो पकड़ूँगा, आई विल गेट अ मेट्रो। अभी मैं मेट्रो के लिए जा रहा हूँ, बहुत घूम रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा सोचा थोड़ा चश्मा लगा लेता हूँ, हीट का हीट हो रहा है मेरे साथ। ये मेट्रो के लिए कहाँ से होगा? मेट्रो बहुत अच्छा स्लीपिंग सिस्टम है, ठीक है। सामने मेट्रो है, स्टेशन से बहुत काफ़ी नज़दीक है, तो सोच रहा हूँ उसको पकड़ के मैं सिंधी कैंप जाऊँ, और सिंधी कैंप उतर के फिर मैं अपने होटल पे जाऊँ, बेटर पड़ेगा। मेट्रो का एंट्री थोड़ा टफ है, मिलना मिल तो गया है, प्लेटफॉर्म पे जा रहा है। एस्केलेटर भी काफ़ी बड़ा बना है और प्राइसिंग बहुत सस्ता रखा है, बाकी गवर्नमेंट स्टेट ओन्ड है तो हालत भी उसी जैसे ही है, स्टेट ओन्ड जैसी। आप मुंबई का मेट्रो देखोगे तो वो प्राइवेट के पास है और एकदम लग्जरी रखता है, तो प्रॉब्लम वही है कि जितना डिस्टेंस मैं यहाँ जा रहा हूँ वहाँ 30 रुपीज़ ले देते हैं, यहाँ पे 6 रुपए ले रहे हैं, सिंपल है। अभी ये बेल की शरबत पी रहा हूँ, ये हमारे यूपी में काफ़ी मिलती है। कहाँ आएगा एम आई रोड? अच्छा, 50 रुपये बचाने के लिए वॉक कर रहा हूँ 500 मीटर, 6 रुपये मतलब 44 रुपये। अकेले ट्रैवल करने का यही फ़ायदा होता है, अपने कंडीशन पे खर्चे करो, मुझे पैदल चला रहे हो, पैदल चले तो आप किसी के साथ रहोगे तो आपको उसका भी समझना पड़ेगा, अगर उसको पैदल नहीं चलना है। मोस्टाच में इंक्वायरी कर रहा हूँ, 391 में मिल गया 12 डॉर्मेट्री में, यहाँ मैं पहले रुका हूँ तो आज एक दिन के लिए वापस रुका हूँ। अभी हम लोग पंचवटी सर्कल जा रहे हैं फूड टूर के लिए, सो आई हैव व्हाट्स योर नेम? केशरो। केशरो, या आई हैव केशरो विद मी, यस, सो ही इज आल्सो कमिंग। बहुत देर के बाद हाथी दिखा है।
और हम दो चार लोग होंगे तो और नहीं होगा और देखते हैं हाउ इट गोस। मोस्टली तो चलो इतना पैसा ले रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसका होगा ही, कुछ ना कुछ तो कराएगा जो हमको नहीं पता है। बट मैं तो नॉर्थ करता नहीं हूँ, स्टिल देखते हैं हाउ कैन आई ऐसे 800 रुपये एक्सपीरियंस के लिए दे रहा हूँ, आइडिया तो आएगा कि नेक्स्ट टाइम करना है कि नहीं। सो यू डू दिस कंटिन्यूसली? Yeah, almost like I'm doing this like every day almost. But now like it's summer time, so I've just dropped the... Achha. This is not the season, na? Yeah, this is. I mean like this is okay, but now the season is just going on. Here it is. And this thing, let's go and the food, when we say food, the first few thing that comes in the mind is like, you know, naan, samosa, Icelandical thing, to give it as a party shape or the round shape, but he just does it with the hand, he gives it a round shape perfectly without the equipment. Oh no. Yeah. So you know how we Indian eat? अभी हम लोग आलू टिक्की खाने जा रहे हैं। Like most of the people we use olive oil. Here in India we use either ghee or the refined oil from the mustard seeds, soybean or ground. You have it here. Then you can make your own mango. So there are many varieties of mango we have tried. But for now, it's good. Because we have 60% of the population are the youth. We can channelize this population into the right direction. Huh? Delicious. Fantastic. It's really good. That's it. It's really good. Ooh. Crispy. After all things, सब चीज करके खाना खा के फूड कवर करके शॉपिंग करके अब वापस रूम पे जा रहे हैं। बेसिक प्लान यही है कि वहाँ जाऊँगा, आराम करूँगा, थोड़े बहुत काम करूँगा और फिर सीधा बैक टू स्क्वायर। कल सुबह 6-7 बजे उठ के एयरपोर्ट के लिए निकल जाऊँगा, 9:30 की फ्लाइट है। और जयपुर एयरपोर्ट का मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा, उसका भी आपको दिखाऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे कैसा रहा। The next day. So good morning. रेडी होके निकल चुका हूँ 8 बज रहे और ओला कर लिया है एयरपोर्ट के लिए। कितना घंटा लगेगा ऐसे? 25 मिनट में पहुँच जाएंगे, 25 मिनट्स में पहुँच जाएंगे एयरपोर्ट। कुछ नाश्ता नहीं, ये प्लान तो ये है कि वहाँ पे जाके लाउंज एक्सेस में कुछ खाऊंगा, प्राइमस करके है कुछ, तो उसमें ही जाके खा लूँ। मॉर्निंग जयपुर में मॉर्निंग जो है वो काफ़ी सरीन और अच्छा लग रहा है, मतलब इट्स अ कूल एनवायरनमेंट राइट नाउ। वो कल रात वाली जो मुर्गी थे मैंने शाम को 5 बजे, मैं इंडियंस को सजेस्ट नहीं करूँ, इंडियंस के लिए 800 रुपये देना 11 आइटम के लिए थोड़ी थोड़ी खाने को मिले इट वॉज अ बैड डील। अगर मैं अकेला जाता तो शायद मैं 200 रुपये में सब चीज़ टेस्ट कर चुका होता और 600 रुपये बचा पे। बट इफ़ यू आर विलिंग टू नेटवर्क, अगर आपको नेटवर्क करना है, लोगों से मिलना है, बाहर के लोगों से दोस्ती करनी है, तो 800 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपना पैसे। फूड टूर करो, साइकिल टूर करो, यहाँ के जो लोकल्स हैं वो आपको साइकिल टूर पर लेके जाएंगे, फूड टूर पर लेके जाएंगे। सो वेन यू आर न्यू टू अ प्लेस एंड कनेक्ट करना है लोगों से, ये बेस्ट ऑप्शन है। एयरपोर्ट पहुँच गए, तो मैं अपना आयुर्वेद का कार्ड यूज़ कर गया, फ्री में लाउंज यूज़ कर रहा हूँ, सब जो भी मैं खा रहा हूँ सब फ्री है, और भी खा सकता हूँ बट टाइम नहीं है। आप
एंड द जर्नी ऑफ जयपुर एंड्स हियर. ठीक है, बैगेज 12 पे आएगा, वो लेके सीधा ऑफिस के एंड करूँगा.